गुरुमुख बनने के लिए मन को संसार की इच्छाओं से संन्यास दिलवाने के लिए प्यार से सभी ने जय घोष करना है। बोलो जयकारा बोल रे दिवस मनाने की खुशी में हमारे परम पूज्य श्री परमहंस दयाल जी महाराज, परम पूज्य श्री नंगे निवासी भगवान, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री जुगल जोड़ी महाराज, परम पूज्य बड़े भाई जी, परम पूज्य सभी भाई जी, कुटिया के सभी सदस्य व सभी प्रेमियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। प्रेम भैया को भी बहुत बहुत बधाई हो। हमारे परम पूज्य श्री परम दयाल जी महाराज, परम पूज्य श्री नंगे निवासी भगवान जी की कृपा से हम जीवों का कल्याण करने के लिए, हमें सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए, हमें धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करवाने के लिए हमारे सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज व परम पूज्य श्री जुगल जोड़ी महाराज जी ने पावन कुटिया हिसार में हम सब प्रेमियों के लिए स्थापना की। हमारे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज व परम पूज्य श्री जुगल जोड़ी महाराज जी ने कुटिया की स्थापना करके श्री नंगे निवासी भगवान व परम पूज्य श्री परम दयाल महाराज जी का कृपा रूपी झंडा लगाया ताकि हम नित प्रतिदिन पावन कुटिया में आ करके अपने जीवन के समय को सेवा भजन सिमरण व सत्संग में लगा करके परम पूज्य श्री परमहंस दयाल जी महाराज व परम पूज्य श्री नंगे निवासी भगवान जी के कृपा रूपी झंडे का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। हमारे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री जुगल जोड़ी महाराज जी ने श्री नंगे निवासी भगवान जी की कृपा से न जाने कितने आश्रम बनाए, न जाने कितनी कुटिया बनाई हम सब जीवों के कल्याण के लिए। लेकिन सबसे पहले जो आश्रम बना था वो श्री नंगे निवासी भगवान जी की कृपा से जंग में बना था। जैसे संन्यास दिवस परम पूज्य श्री जुगल जोड़ी महाराज जी के दिन परम पूज्य भाई जी ने बताया था कि सबसे पहला संन्यास श्री नंगे निवासी भगवान जी ने स्त्रियों को दिया था तो वो श्री जुगल जोड़ी महाराज जी को दिया था। जंग में सत्संग की जिम्मेवारी स्वामी ने जात्मानंद महाराज जी को दी गई थी। वो श्री नंगे निवासी भगवान जी का खूब यश फैला रहे थे और खूब संगत सत्संग में आते थे। लेकिन पुरुष प्रधान देश है, उन दिनों स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो श्री नंगे निवासी भगवान जी ने सोचा होगा कि श्री जुगल जोड़े महाराज जी को संन्यास दे दिया जाए और उनको संन्यास दे दिया गया। दिसंबर 1935 में उन्हें जंग में सत्संग करने के लिए हुक्म हुआ
वहाँ के सत्संग की जिम्मेवारी परम पूज्य श्री जुगल जोड़े महाराज जी को दी गई। और फरवरी 1936 में स्त्री सत्संग सभा के नाम से बिल्डिंग बनाई गई, जहाँ पर परम पूज्य श्री जुगल जोड़े महाराज जी सत्संग किया करते थे। श्री नंगी निवासी भगवान जी का यश फैलाया करते थे। दूर दूर से संगत उनका सत्संग सुनने के लिए आती थी और दूर दूर से बड़े बड़े घरों की स्त्रियां, बड़े बड़े ऑफिसर्स की स्त्रियां श्री युगल जोड़ी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए, श्री नंगी निवासी भगवान जी का यश सुनने के लिए आती थी। परम पूज्य श्री युगल जोड़ी महाराज जी ने लगभग 11 वर्ष वहाँ पर सत्संग करके श्री नंगी निवासी भगवान जी का यश फैलाया, श्री नंगी निवासी भगवान जी का प्यार बताया, श्री नंगी निवासी भगवान जी का प्यार बांटा। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो परम पूज्य श्री युगल जोड़ी महाराज जी को भारत में आना पड़ा, तो भारत में आकर के भी उन्होंने श्री नंगी निवासी भगवान जी की आज्ञा को नहीं छोड़ा। उनकी आज्ञा थी सत्संग करने की, वो सत्संग करते रहते थे। जगह जगह पर जा करके उन्होंने सत्संग किया और श्री नंगी निवासी भगवान जी की कृपा से जगह जगह पर जा करके अलग अलग शहरों में कुटिया का निर्माण किया और जितनी भी कुटिया बनाई उनकी तो हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उन प्रेमियों के मन रूपी धरती पर भी कुटिया बना करके श्री नंगी निवासी भगवान जी को विराजमान किया। जिन प्रेमियों ने अपने श्री सतगुरुदेव भगवान जी के वचनों पर चल करके अपने जीवन को सेवा भजन सिमरण व सत्संग में लगा करके अपने मन रूपी धरती को श्री नंगी निवासी भगवान जी की पावन कुटिया के काबिल बनाया। हम श्री गुरु महाराज जी की कृपा से बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने हमारे कल्याण के लिए हिसार में हिसार निवासियों के जीवों के लिए उनको सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए हिसार में कुटिया बनाई, और ताकि हम सब जीवों का कल्याण हो सके। यदि प्रेम ना होता तो गजल कौन कहता, कीचड़ में फूल को कमल कौन कहता। ये तो श्री सतगुरुदेव भगवान जी की रहमत है, उनकी कृपा है, वरना हमारे लिए श्री नंगी निवासी भगवान जी की कुटिया कौन बनाता। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम श्री नंगी निवासी भगवान जी का प्यार पाने के लिए, उनका चरणों का प्यार पाने के लिए श्री सतगुरुदेव भगवान जी की चरण शरण मिली। हमारे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री युगल जोड़ी महाराज जी ने श्री सतगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा पर चल करके उनके हुक्म के अनुसार अपना पूरा जीवन सेवा भजन सिमरण व सत्संग में व्यतीत किया, और उनकी आज्ञा में रह करके उनके वचनों पर चल करके जीवन का निर्वाह करते रहे। हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान जी कभी भी मनमुख बन करके जीवन का निर्वाह नहीं करते थे, हमेशा गुरमुख बन करके ही जीवन का निर्वाह करते रहते थे और श्री गुरु महाराज जी के यश फैलाते रहते थे, सत्संग के द्वारा श्री गुरु महाराज जी का प्रेम लुटाते रहते थे, उनका प्रेम बांटते रहते थे। हमारे परम पूज्य श्री युगल जोड़ी महाराज जी को जब संन्यास मिला तो हमारे परम पूज्य श्री भाई जी ने भी बताया और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी भी सुनाते थे कि जिस दिन उनको संन्यास मिला उस दिन उनके पिता श्री राधा कृष्ण जी, उनके माता जी, उन्होंने अपना सब कुछ भेंट कर दिया, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटे को, श्री युगल जोड़ी महाराज जी को, सबको भेंट कर दिया। इतना ढेर सोने का लगा था जिसका कि हम
वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन परम पूज्य श्री जुगल जोड़े महाराज जी ने क्या भेंट किया, अपने मन की इच्छाओं का त्याग किया, अपने मन को संसारिक इच्छाओं से संन्यास दिलवाया, अपने मन के इच्छाओं को त्याग करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंट किया। सबसे बड़ा दान त्याग का दान होता है, इच्छाओं की त्याग का दान होता है। वैसे तो दान कई प्रकार का होता है, धन से भी दान किया जा सकता है, सम्मान का भी दान किया जा सकता है, प्रेम का भी दान किया जा सकता है, अनेक प्रकार के दान हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो दान है वो है त्याग का दान। परम पूज्य श्री जुगल जोड़े महाराज जी ने अपने मन की इच्छाओं को त्याग करके श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में भेंट करके दान करके संन्यास लिया। तो उनकी कृपा से हम आज उनकी कुटिया में सत्संग सुन रहे हैं, भजन कीर्तन सुन रहे हैं। दुनिया में न जाने कितने बड़े बड़े दानवीर हैं, लेकिन परम पूज्य श्री जुगल जोड़े महाराज जी जैसा दानवीर शायद ही कोई होगा, जिन्होंने अपने मन की इच्छाओं का त्याग करके दान किया। महाभारत में कर्ण जी थे, सबसे बड़े दानी थे, जो भी उनके पास आता था और वो उन्हें वही वस्तु दान कर देते थे। उनके छाती पर एक सुरक्षा कवच था जो उनकी रक्षा करता था, कोई भी उन्हें मार नहीं सकता था जब तक उनके शरीर पर वो सुरक्षा कवच था। जब उनकी माता कुंती उनके पास आई तो उन्होंने वो सुरक्षा कवच दान में मांगा, तो कर्ण ने तुरंत उतार करके दे दिया, अपने जान की परवाह नहीं की। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्ण जी को कहा कि आप पांडवों के साथ आ जाइए, पांचों भाई आपका सम्मान करेंगे, आपको सिर पर बिठा करके रखेंगे, आपको राजा बनाएंगे, आपको मुकुट पहनाएंगे, लेकिन कर्ण ने अपने मन की बात मानी कि मैंने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना, भगवान का कहना नहीं माना, अपने मन की बात मानी, अपने मन की इच्छा का त्याग नहीं किया, अपने मन की इच्छा का दान नहीं किया, लेकिन बाकी सब वस्तुओं का दान करते रहे, लेकिन अपनी मन की इच्छा का दान नहीं किया। हमारे परम पूज्य श्री जुगल जोड़े महाराज, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने मन की इच्छाओं का दान करके संन्यास धारण किया और गुरु दरबार की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की। जब गुरु साकार रूप में होते हैं तब तो सभी शिष्य प्रेमी भाग करके गुरु की सेवा करते हैं, लेकिन जब निराकार रूप में हो जाते हैं तब कोई ऐसा शिष्य या प्रेमी होता है जो तन मन धन से गुरु दरबार की सेवा करता है। हमारे परम पूज्य श्री जुगल जोड़े महाराज जी ने जब श्री नगरी निवासी भगवान जी साकार रूप में थे तब भी उनकी सेवा करते थे, और जब निराकार रूप में हुए तब श्री नगरी साहब को उन्होंने ईंट सीमेंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं माना, बल्कि श्री नगरी निवासी भगवान जी का शरीर मान करके सेवा की। जो भी सेवा श्री सद्गुरु नगर में आती थी सबसे पहले वो श्री नगरी साहब में भेजते थे, जो भी कोई सेवा वो कुटिया से लेकर के जाते थे सबसे पहले श्री नंगे साहब में भेंट करते थे, फिर श्री सद्गुरु नगर में बांटते थे। इतना ही नहीं, जो भी कोई प्रेमी आता पहले उसे श्री नंगे साहब में भेजते कि पहले आप श्री नंगे साहब में मत्था टेक के आया करो, फिर श्री सद्गुरु नगर में आया करो। जो भी कोई उनसे कुछ मांगता, जो भी शब्द श्री जुगल जोड़े महाराज जी के मुख से निकलते वो पूरे हो जाते थे, क्योंकि उनके हृदय में श्री नंगे निवासी भगवान जी विराजमान थे। श्री नंगे निवासी भगवान जी जो भी अंदर से बुलवाते थे वो वही बोलते थे। जो भी कोई मांगने के लिए आता, चाहे प्रेमी हो चाहे संत महापुरुष हो, उनके हर भाव की इच्छा पूरी करते थे। जब हमारे परम पूज्य श्री
नंगे निवासी भगवान जी का अवतार बना था। अवतार होने से कुछ महीने पहले की बात है, जब अपने माता जी के गर्भ में थे तो माता जी को अनहद नाथ बंसी की आवाज सुनाई देती थी। क्यों सुनाई देती थी? क्योंकि उनके अंदर बैठे हुए श्री नंगे निवासी भगवान जी भजन सिमरन का अभ्यास कर रहे थे। भजन सिमरन का अभ्यास से जो अनहद नाथ बंसी की आवाज श्री नंगे निवासी भगवान जी सुन रहे थे, वही आवाज पूज्य माता जी को सुनाई दे रही थी। जैसे एक घर में भजन सिमरन होता है तो उसकी ऊर्जा तरंगे साथ वाले घर में भी पहुंच जाती है, साथ वाले घर को भी तरंगित कर देती है। लेकिन श्री नंगे निवासी भगवान जी और उनके पूज्य माता जी तो एक ही शरीर में थी, तो जब उनको आवाज सुनाई देती थी माता जी को, वो इतने मस्त हो जाते थे, अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। उन्हें कुछ नहीं पता होता था कि वो क्या कर रहे हैं। जो भी उनके पास कुछ मांगने के लिए आता वो उसे वही वस्तु उठा करके दे देते, चाहे कोई साधु आए चाहे कोई संत आए, जो भी वस्तु मांगता वही चीज उठा करके दे देते। तो एक दिन घर वालों ने कहा, माता जी आप तो ऐसे सारा घर लुटा दोगे एक दिन, जैसे कोई मांगता है वही वस्तु उठा करके दे देते हैं। तो पूज्य माता जी क्या जवाब देते हैं, मेरे तो केवल हाथ उठते हैं देने के लिए, हुक्म तो किसी और का होता है, आदेश तो किसी और का होता है। ऐसे ही हमारे परम पूज्य श्री जुगल जोड़ी महाराज जी थे, उनके पास जो भी कोई आता था जिस भाव से आता था वो लुटाते रहते थे, लुटाते रहते थे, लुटाते रहते थे। लेकिन हम लोग उनको उनकी आज्ञा पर नहीं चलते, उनके वचनों पर नहीं चलते, इसलिए हम श्री नंगे निवासी भगवान जी का प्यार नहीं पा पाते, श्री नंगे निवासी भगवान जी को अपने हृदय में विराजमान नहीं कर पाते। हमारे परम पूज्य बड़े भाई जी बचपन से ही दरबार की सेवा कर रहे हैं। परम पूज्य श्री जुगल जोड़ी महाराज जी ने इनको जहाँ भी बैठाया वो वहीं पर बैठ गए, हिसार कुटिया में बिठाया तो हिसार कुटिया में बैठ गए। जब परम पूज्य श्री नंगे निवासी भगवान जी को परम पूज्य श्री परमानंद दयाल महाराज जी ने आगरा में कृष्ण द्वार में भजन सिमरन करने के लिए बिठाया, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितना समय बैठना है, कब तक बैठना है, खाने पीने का क्या प्रबंध है, सोने का क्या प्रबंध है। 13 वर्ष तक उनकी आज्ञा के अनुसार भजन सिमरन करते रहे। उनका शरीर सूख कर लकड़ी हो गया लेकिन उन्होंने आज्ञा को नहीं सूखने दिया। ऐसे ही हमारे परम पूज्य बड़े भाई जी हैं, चाहे उनका शरीर स्वस्थ रहे या ना रहे, लेकिन अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की आज्ञा में रहते हुए, कुटिया में रहते हुए अपने जीवन को सेवा भजन सिमरन वह सत्संग में लगाते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हम सब प्रेमियों को एक प्रेम के धागे में बांध कर रखते हुए श्री गुरु महाराज जी के चरणों के साथ जोड़ रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी के चरणों का प्यार बांट रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी का यश फैला रहे हैं। और हमें अब हमारा फर्ज बनता है कि हम पूज्य भाई जी की आज्ञा को परम पूज्य श्री परमानंद दयाल महाराज जी, परम पूज्य श्री नंगे निवासी भगवान जी, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी, परम पूज्य श्री युगल जोड़ी महाराज जी की आज्ञा मानते हुए इनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहे। ये तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा है कि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री युगल जोड़ी महाराज जी ने हम हिसार निवासियों के लिए हिसार कुटिया में पूज्य भाई जी को बिठाया। हर जेल में कमल खिला नहीं करते, हर जेल में कमल खिला नहीं करते, हर सीप में मोती मिला नहीं करते, ये तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा है, श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा है। वरना ऐसे प्यार करने वाले पूज्य भाई जी हर प्रेमी को मिला नहीं करते। स्थापना दिवस, पूज्य भाई जी के संन्यास दिवस पर
श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि श्री गुरु महाराज जी पूज्य भाई जी को हमेशा स्वस्थ रखें, ताकि जो उनको सेवा श्री गुरु महाराज जी ने सौंपी है वो सेवा करते हुए हम सभी प्रेमियों को प्रेम के सूत्र में बांध कर रखते हुए सेवा भजन सिमरण व सत्संग में हमारा समय लगवाते रहें, ताकि हम भी अपने मन को इच्छाओं से संन्यास दिलवा सकें, अपने मन की इच्छाओं का त्याग करके दान करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंट कर सकें। बोलो जयकारा बोल में श्री गुरु महाराज।